हेलो एंड वेलकम ऑल कंफ्यूज्ड वर्ड्स में आज पांच कंफ्यूजन्स 42nd से लेकर के 45th तक चार कंफ्यूजन्स। पहला है डिफरेंस, इसे पढ़ते हैं डिफरेंस। दूसरा है डिफरेंस डिफरेंस। तीसरा है डेजर्ट, इसे कहते हैं डिजर्ट। फिर है डिस इंटरेस्टेड चाहे इंटरेस्टेड, इसको पढ़ते हैं अन इंटरेस्टेड। इसको पढ़ते हैं डू अल, इसे पढ़ते हैं डू एल। ठीक, नो फर्स्ट वन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सम्मान, सम्मान मतलब आदर। हम क्या करते हैं क्लासरूम से, जैसे हमारे टीचर्स आते हैं हम खड़े होते हैं ना, क्यों खड़े होते हैं? इन डेफरेंस टू टीचर्स, शिक्षकों के सम्मान में। वी स्टैंड व्हेन दे कम, हम खड़े होते हैं जब वे आते हैं। तो यहाँ पे डेफरेंस का यूज कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? सम्मान आदर। डेफरेंस के बाद प्रीपोजिशन लगता है, वह है टू, टी ओ टू। अब है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। There is difference of opinion on the topic. Opinion का मतलब होता है विचार। तो there is difference, मतभेद है, अंतर है। अंतर कहिए अच्छा है, मतभेद कहिए, मतभेद है of opinion विचार का on the topic। On topic मतलब मुद्दे पे, मुद्दे पे विचार का मतभेद है। जैसे सपोज फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है दिल्ली में, तो कोई फार्मर्स के सपोर्ट में रहते हैं, कोई उनके अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस का यूज कर लेंगे। नाउ डेजर्ट। डेजर्ट मतलब भोजन पश्चात दिया जाने वाला फल या मिष्ठान। किसी पार्टी में जाते हैं तो जो खाना हो जाता है पूरा का पूरा, तो बाद में आइसक्रीम अच्छा है, कोई मिठाई अच्छा है, खीर, कुछ ना कुछ आपको भोजन के बाद दिया जाता है। वह फल भी हो सकता है, कस्टर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रूट भी हो सकता है, कोई स्वीट भी हो सकता है। तो उसे बोलते हैं, जो भोजन खा करने के बाद मिलता है उसे कहते हैं डेजर्ट। इन द पार्टी, पार्टी में आइसक्रीम वाज सर्व्ड एज डेजर्ट, डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम दिया गया। नाउ डिजर्ट। डिजर्ट मतलब आप जानते हैं डिजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल, मरुस्थल या छोड़ना। एक तो होगा मरुस्थल, नाउन होगा ये, और छोड़ना वर्ब होगा। तो पहले मरुस्थल का देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारा थार एक डिजर्ट है, और थार के पहले टी एच ही लगेगा। द थार इज वर्ल्ड 17th लार्जेस्ट डिजर्ट, मतलब थार विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। सही है, जीके के अनुसार 17वां ही है। फिर डिजर्ट मतलब छोड़ना भी होता है। राम हैज डिजर्टेड, राम ने छोड़ दिया है। हिज करप्ट ब्रदर, अपने करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, अपने भ्रष्ट भाई को राम ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो डिजर्ट है इसका वर्ब ग्रुप में प्रयोग कर दिया, और इधर डिजर्ट है नाउन ग्रुप में कर दिया। तो डिजर्ट का आप देख रहे हैं डेजर्ट एंड डिजर्ट का दो यूज। नाउ डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड, ये देखिए इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्ट का उल्टा बनाते हैं, अपोजिट बनाते हैं, कभी डिसइंटरेस्टेड लिखते हैं, कभी अनइंटरेस्टेड लिखते हैं, लेकिन दोनों का मतलब होता है। कैसे? डिसइंटरेस्टेड का मतलब स्वार्थहीन या निष्पक्ष। जैसे जज होते हैं ना, जज क्या करते हैं ए और बी के बीच मुकदमा होता है, उस मुकदमा पर जब डिसीजन देते हैं तो ना ए के पक्ष में सोचते हैं कभी, ना बी के पक्ष में, वह सबूत के पक्ष में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जज होते हैं डिसइंटरेस्टेड, निष्पक्ष होते हैं, इसी को यूज किया है। अ जज मस्ट ऑलवेज बी डिसइंटरेस्टेड, एक न्यायाधीश को हमेशा होना चाहिए निष्पक्ष, एक न्यायाधीश को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। नाउ अनइंटरेस्टेड मतलब रुचिहीन, इच्छा नहीं करता है जिस चीज के लिए, उसे बोलते हैं अनइंटरेस्टेड, रुचिहीन। मीरा इज अनइंटरेस्टेड इन इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में मीरा की रुचि नहीं है, चाहे मीरा रुचिहीन है, ये हो गया अनइंटरेस्टेड। नाउ डूअल, देखिए डू ऑल, डूअल
सिंपल उच्चारण है इसका। डुअल मतलब दो तरह का। राम हैज डुअल पर्सनालिटी, राम के पास दो पर्सनालिटी है, दो तरह का पर्सनालिटी है। कैसे आप देखते हैं कुछ मेल होते हैं जो चलते हैं तो औरतों जैसे चलते हैं, चाहे बोलते हैं तो भी आवाज औरतों जैसी आती है। तो उनकी जो पर्सनालिटी है उनमें औरतों का भी पर्सनालिटी होता है और पुरुष का भी होता है, मेल तो होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं डुअल पर्सनालिटी। उदाहरण है डुअल पर्सनालिटी का। नाउ डुअल, डुअल मतलब द्वंद्व। आप महाभारत की कहानी में जानते हैं कि बाली और सूरी के बीच डुअल हुआ था, जहां पे श्री राम ने बाली को मारा था। तो जो दो पर्संस के बीच में, ए और बी के बीच में जो लड़ाई होगी ना, उसे कहेंगे डुअल। ग्रुप नहीं होगा, ए का बी का भी ग्रुप नहीं होगा, ए और ए पर्सन होंगे, इंडिविजुअल होंगे, इसे बोलते हैं डुअल। द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व हिंदी में कैसे लिखा है इसे भी देख लीजिए, शुद्ध लिखा हुआ है। तो डुअल मतलब द्वंद्व युद्ध। अ डुअल डिसाइड्स, एक द्वंद्व युद्ध डिसाइड करता है द बेटर ऑफ द टू, दो में बेहतर को, दो में कौन बेहतर है इसे डिसाइड करता है एक डुअल। तो कंफ्यूज्ड वर्ड्स में आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।